कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला गरमाया हुआ है। देश भर के डॉक्टर सड़कों पर हैं, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक्शन मोड में है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई भी पिछले 8 दिन से सबूत इकट्ठे कर रही है और आर्जकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष इस बीच चौतरफा विवाद में फंस गए हैं। कैसे, ये समझिए। दरअसल सीबीआई की टीम ने 6ठे दिन भी डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ की है। इन 6 दिनों में डॉक्टर घोष, जो कि पूर्व प्रिंसिपल हैं, उनसे 72 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ हुई है, यानी कि हर रोज लगभग 12 घंटे एवरेज जो है वो उनसे पूछताछ की गई है। सीबीआई के सवालों का सिलसिला अभी थमा नहीं है, आगे भी पूछताछ होगी, तय माना जा रहा है। कई सारे सवालों का जवाब जो है विरोधाभासी मिल रहा है, कॉन्ट्रडिक्टरी जवाब दे रहे हैं, इसी वजह से संदीप घोष से लगातार पूछताछ जारी है और आगे भी पूछताछ होगी, ये भी माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी इनको और अब भी ये सवालों के कटघरे में खड़े हैं, सीबीआई के सवालों का सामना कर रहे हैं। जूनियर महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में जांच एजेंसी कई अहम तथ्य जानना चाहती है, क्योंकि यही संदीप घोष वारदात के समय आर्जकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनकी भूमिका संदिग्ध दिख रही है, उनकी कथनी में, उनकी करनी में एक फास्ता दिखता है, एक फर्क दिख रहा है। लिहाजा सीबीआई ने अब तक 4 अहम सवालों के जरिए संदीप घोष पर शिकंजा कसा है। पहला सवाल, वारदात की सूचना मिलने पर आपने क्या किया, ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि इसी को लेकर परिवार के कई सारे आरोप हैं। परिवार का ये कहना है जिनको गलत जानकारी दी गई, उनको बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जब वो वहां पहुंचे तो उनकी डेड बॉडी जो थी पीड़िता की, वो 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक वहीं पड़ी रही, उनके परिवार के लोगों को भी दिखाया नहीं गया। इस वजह से सबसे पहला सवाल, वारदात की सूचना मिलने पर क्या किया इन्होंने, इसका ये सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये भी जानने की कोशिश की गई कि जब वारदात हुआ उस वक्त आपको जानकारी कब मिली, आपने कितने वक्त में परिवार को जानकारी दी, सही जानकारी पहुंचाने में देरी क्यों हुई, आपने रिपोर्ट कब किया पुलिस को, और उसके साथ साथ तमाम सवाल जो हैं उनका सामना करना इनको पड़ रहा है। दूसरा अहम सवाल जो है, वारदात के बाद किन किन लोगों से आपने बात की, क्या आपने हायर अथॉरिटीज से बात की, क्या आपने परिवार से बात की, पुलिस से बात की, तमाम सवाल जो हैं इनका सामना संदीप घोष कर रहे हैं। तीसरा सवाल सबसे अहम है कि पीड़िता की डेड बॉडी के लिए परिजनों को 3 घंटे तक इंतजार आखिर क्यों करवाया गया, ये परिवार भी सवाल पूछ रहा है और इसी सवाल का जवाब जानना चाह रही सीबीआई। चौथा सवाल, किसके कहने पर सेमिनार हॉल के पास रिनोवेशन के आदेश दिए गए थे। याद करिए, सेमिनार हॉल यानी कि क्राइम स्पॉट, उसके ठीक बगल में एक दीवार तोड़कर काम किया जा रहा था, बताया गया कि टॉयलेट बनवाया जा रहा था। ये सवाल उठा कि क्या जो क्राइम सीन है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, उसको आखिर दरअसल आइसोलेट करने की कोशिश क्यों नहीं की, उसको संरक्षित करने का प्रयास क्यों नहीं किया, क्यों वहां पर इस तरह की अनदेखी की गई, किसके कहने पर ये आदेश दिए गए थे, ये सवाल संदीप घोष से पूछा जा रहा है। और संदीप घोष से पूछताछ का 6ठा दिन रहा, जिस तरह के जवाब संदीप घोष दे रहे हैं तो उसके बाद शक और गहराता जा रहा है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूर्व प्रिंसिपल के दर्ज कुछ स्टेटमेंट्स अन्य लोगों के बयान से मेल नहीं खा रहे हैं, यानी कि संदीप घोष का कुछ और कहना है, बाकी लोगों से जो पूछताछ की गई है, जो कुछ डॉक्टर्स हैं, परिवार के लोग हैं, उनके बयानों में एक विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों तरफ के बयान जो हैं जो अलग अलग दिख रहे हैं, इसी वजह से सीबीआई और सख्ती से संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। एक तरफ जहां सीबीआई से लगातार पूछताछ का सिलसिला है, दूसरी तरफ आर्जकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली और अस्पताल के दूसरे अधिकारियों ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि डॉक्टर संदीप घोष व्यापक भ्रष्टाचार में शामिल थे। अख्तर अली तो ये दावा कर रहे हैं कि डॉक्टर संदीप घोष ने सभी निविदाओं के लिए पैसे मांगे हैं और बांग्लादेश तक में बायोमेडिकल वेस्ट की तस्करी करके अवैध कारोबार किया है। ये पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली का आरोप है संदीप घोष पर। आगे कहते हैं कि उन्होंने छात्रों को पास कराने के लिए रिश्वत मांग ली, कॉलेज कैंटीन, बायोमेडिकल आपूर्ति, तमाम विभिन्न स्रोतों से पैसे लिए, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को इन मुद्दों की सूचना देने के बावजूद घोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, अख्तर अली का आरोप है। क्या इसके बजाय उन्हें खुद ही निशाना बना दिया गया और उनका तबादला कर दिया गया। घोष मेडिकल स्टूडेंट्स को पास कराने के लिए रिश्वत मांगते थे, कॉलेज में कुछ छात्रों को जानबूझकर फेल कर देते थे ताकि वो पैसे वसूल सकें। आरोप लगाया कि संदीप की हर जगह बातचीत थी, हर जगह उनका कमीशन तय था। आरोपों को लेकर सवाल इस वजह से भी उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ
एक पूर्व अधिकारी ने इतना बड़ा आरोप लगाया, तस्करी का आरोप लगाया, रिश्वतखोरी का आरोप लगाया, बच्चों को जानबूझकर फेल करने का आरोप लगाया, पास होने के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार ने भी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है, एक SIT का गठन किया है, जो पिछले 2 से 4 सालों में जो कुछ भी यहाँ इस तरह के मामले आए हैं, अनियमितताएं आई हैं, उन अनियमितताओं को लेकर ये SIT जांच करेगी। राज्य सरकार ने भी इसको लेकर जांच पड़ताल का आदेश दे दिया है। तो एक तरफ राज्य की सरकार जिसने जांच का आदेश दिया, और दूसरी तरफ है अख्तर अली के ये आरोप, पूर्व अधिकारी ने जो आरोप लगाए हैं जिसमें इन भ्रष्टाचार से लेकर तस्करी तक के आरोपों का जिक्र है। और ऐसे में दोनों तरफ से अब सवालों के कटघरे में संदीप घोष हैं, पूर्व प्रिंसिपल आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के, जिनका तबादला, जिनका दरअसल नई जगह पर नियुक्ति कर दी गई थी, ये एक बड़ा पहलू है। मैं सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग कर रहे डॉक्टर्स का प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी है। कोलकाता, दिल्ली समेत कई शहरों में डॉक्टर्स ने आज भी काम नहीं किया। एम्स दिल्ली ने भी डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कमेटी बना दी है। वहीं कोलकाता में आज एक बार फिर से लोग सड़क पर उतरे, जिसमें कई सेलिब्रिटीज भी थे। बंगाल में कम्युनल पॉलिटिकल इलेक्टोरल वायलेंस खत्म होना चाहिए, एंड वी हैव टू मेक बंगाल ग्रेट अगेन, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरा चेंज हो। कुछ होता है संदेश खाली में, हुआ कुछ, अभी आपके यहाँ कोई कुछ बोल रहा है, लोग तो इसको कवर अप करने में लगे हुए हैं, लोग तो डायरेक्टर को ट्रांसफर करने में, FIR लेट करने में, इन सब में लगे हुए हैं। इसका इंस्टेंट इमीडिएट इसका एक्शन लेना चाहिए था, एंड दिस गवर्नमेंट हैज फेल्ड कंप्लीटली। बट आई एम हियर बिकॉज आई वॉन्ट लॉट्स ऑफ यंग पीपल, दे हैव बीन आस्किंग मी, आई वांट देम टू फील इंस्पायर्ड दैट यस, इफ आई कैन स्टैंड हियर एंड प्रोटेस्ट, दे कैन ऑल्सो टू। तो सेलिब्रिटीज के साथ आज कोलकाता में BJP और कांग्रेस ने भी राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। ममता बनर्जी के खिलाफ पहली बार आम आदमी पार्टी ने भी पश्चिम बंगाल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोर्ट का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई फेथ नहीं है, इसलिए इमीडिएटली CP को हटा देना चाहिए, तत्काल अपने पद से हटा देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी के राज में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आज भी आनंदपुर में एक घटना घटी है, तो जो घटना घट रही है ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं किया, कल पूरा बता ही दिया, इसलिए अर्जीकर में उन्होंने पुलिस को हटा के उन्होंने CISF दिया है। तो इसका तो सामने आ गया है कि बंगाल पुलिस, बंगाल का सरकार को सुप्रीम कोर्ट भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए पुलिस को एक ही रिक्वेस्ट है कि पुलिस को जो भी जितना एविडेंस है उसको CBI के हाथ में देना चाहिए। लेकिन पुलिस उल्टा कर रहा है, जितना जो एविडेंस जहाँ पे है उसको तोड़फोड़ कर रहा है, उसको रेनोवेशन चल रहा है, ये सब मिटाने का कोशिश चल रहा है। ये उनका कोशिश है कि संदीप घोष को CBI गिरफ्तारी ना करे। तो रेप मर्डर केस में कलकत्ता हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा, ये समझिए। कहा, न्यायिक अनुशासन के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। सभी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। CISF की नियुक्ति पर ध्यान दिया गया है। CBI और राज्य द्वारा 22 अगस्त तक रिपोर्ट दी जाएगी, हाईकोर्ट ही कह रहा है। हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई 16 अगस्त को हुई थी। तब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस TS शिवगनम ने राज्य सरकार और पुलिस को फटकारा था। फटकार लगाते हुए कहा था कि अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए 7,000 की भीड़ आई थी, पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस खुद को नहीं बचा पा रही तो डॉक्टर निडर होकर बिना डरे कैसे काम करेंगे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CISF ने अस्पताल की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है। कल से CISF की यहां तैनाती भी होगी। CISF के DG आज खुद अस्पताल पहुंचे, वहां पर जाकर तमाम इंतजामों को देखा है। 14 अगस्त की रात को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देर रात हजारों की भीड़ ने हमला कर दिया था। भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ की थी। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने बुधवार को 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड भी किया। इनमें 2 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर भी शामिल हैं। और अब सबकी निगाहें 22 तारीख पर हैं, जब 22 तारीख को दरअसल
सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होगी और 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा।